24 घंटे में 42,640 नए कोरोना केसेस सामने आए। 91 दिनों में पहली बार 50,000 से नीचे पहुंचे नए कोरोना केस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,167 लोगों की मौत। देश में कोरोना से अब तक 3,89,302 लोगों की जा चुकी है जान। 6,62,000 से ज्यादा कोरोना एक्टिव केस। कोरोना के डेल्टा प्लस वर्जन से तीसरी लहर की जताई जा रही है आशंका। टीका लगाने के काम में तेजी। अब तक करीब 28,87,66,000 से ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। देश ने बनाया एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। कल फ्री वैक्सीनेशन के पहले दिन 86,16,373 लोगों का टीकाकरण। राज्यों में मध्य प्रदेश रहा सबसे ऊपर। 24 घंटे के अंदर 16 लाख लोगों को लगी टीके की डोज। उत्तर प्रदेश में भी फ्री वैक्सीन के पहले दिन 7 लाख लोगों को लगे टीके। कर्नाटक ने भी 11 लाख लोगों को किया वैक्सीनेट। यूपी में मेगा टीकाकरण अभियान की शुरुआत। हर दिन 6 लाख लोगों को वैक्सीन लगवाने का लक्ष्य। सुस्त पड़ने लगी देश में कोरोना की दूसरी लहर। पिछले 24 घंटे में सामने आए 53,256 नए मरीज। 1,422 लोगों की गई जान। आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। पार्टी कोरोना पर जारी करेगी श्वेत पत्र। राहुल गांधी ने कोरोना से मरने वालों के मुआवजे को बनाया मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के 4 लाख रूपये मुआवजा देने से इनकार का ट्वीट में किया जिक्र। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, जीवन की कीमत लगाना असंभव। मुआवजे की मदद को भी मोदी सरकार तैयार नहीं। अखिलेश यादव ने यूपी में कोरोना से मरने वालों के आंकड़ों का मुद्दा उठाया। ट्वीट में लिखा, सरकार मृत्यु के आंकड़े नहीं देकर अपना मुंह छिपा रही। अखिलेश यादव ने आरटीआई से मिली जानकारी का जिक्र किया। 31 मार्च 2021 तक यूपी के 24 जिलों में मृत्यु का आंकड़ा सरकारी आंकड़े से 43 गुना ज्यादा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का उठाया मुद्दा। कहा, ममता राज में खौफ ज्यादा लोग धर्म बदलने की दे रहे हैं दुहाई। आन अपना गांव छोड़कर बॉर्डर तक क्रॉस कर रहे हैं और रहम की भीख मांग रहे हैं, कहते हुए कि हम अपना धर्म बदलने को तैयार हैं, लेकिन ममता बनर्जी और तृणमूल हमें बख्श दे। स्मृति ईरानी का आरोप, पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार कर रही है बदले की राजनीति। बीजेपी कार्यकर्ताओं को बनाया जा रहा है हिंसा का शिकार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी महिला नेता ने अत्याचार का उठाया मुद्दा। कहा, राज्य की मुख्यमंत्री महिला हैं, फिर भी यहां महिलाएं हैं असुरक्षित। हमारे पश्चिम बंगाल में माननीय मुख्यमंत्री एक महिलाओं हैं और महिला होने के नाते भी वो कम्प्लीटली वो अस्वीकार किए हैं कि ऐसा टॉर्चर हो रहा है। चुनाव के बाद हिंसा को लेकर ममता बनर्जी को झटका। हाईकोर्ट ने जांच के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार। दिल्ली में सुलझेगा पंजाब कांग्रेस का आपसी कलह। दिल्ली दरबार में सीएम अमरिंदर सिंह समेत प्रदेश के कई बड़े नेताओं की पेशी। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू के बयानों से नाराज। सिद्धू लगातार उगल रहे हैं आग। कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच आज दिल्ली आ रहे हैं नीतीश कुमार। पीएम समेत बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात की उम्मीद। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में फेरबदल और एलजेपी की मौजूदा हालत पर बीजेपी के साथ हो सकती है बातचीत। 2024 में मोदी सरकार को टक्कर देने के लिए दिल्ली में आज गैर कांग्रेसी दलों का जमघट। शाम 4 बजे शरद पवार के घर राष्ट्र मंच की बैठक। पवार के घर बैठक के लिए किसी पार्टी को नहीं दिया गया न्योता, लेकिन मौजूद रह सकते हैं सियासत के बड़े चेहरे। बैठक में देश के आर्थिक और सियासी हालात पर चर्चा की उम्मीद। चुनाव में मोर्चेबंदी पर बन सकता है एक्शन प्लान। प्रशांत किशोर की शरद पवार से लगातार मुलाकातों से बढ़ी तीसरे मोर्चे की सियासी सरगर्मियां। आज की बैठक में तस्वीर होगी साफ। यूपी में मिशन 2022 पर जुटी बीजेपी। सीएम योगी के आवास पर अहम बैठक। चुनाव की रणनीति और रोडमैप पर घंटों मंथन। पीएम के बुलावे से पहले श्रीनगर में गुपकार गुट की अहम बैठक। 24 जून की बातचीत के एजेंडे और रणनीति पर चर्चा की उम्मीद। सूत्रों के मुताबिक 7 दलों के गुपकार गुट की बैठक में शामिल नहीं हो सकती है पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती। केंद्र से बातचीत के पक्ष में ज्यादातर नेता। पीएम के साथ वार्ता की गुपकार की तरफ से अगुवाई कर सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर पर आज कांग्रेस कमेटी की बैठक। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात। बैठक में गुलाम नबी आजाद, कर्ण सिंह, पी चिदम्बरम और गुलाम अहमद मीर के शामिल होने की उम्मीद। राजस्थान में शादी समारोह पर पाबंदी को राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा और कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा ने बताया
धत्ता दोनों के एक विवाह समारोह में शिरकत करने का वीडियो वायरल। कोरोना के मद्देनजर राजस्थान में 30 जून तक शादी समारोह पर है पाबंदी, लेकिन 20 जून को सवाई माधोपुर में हुई एक शादी में किरोड़ीलाल मीणा और इंदिरा मीणा ने की शिरकत। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर फर्जी वेबसाइट के जरिए लाखों की ठगी का खुलासा। नोएडा साइबर सेल ने 5 को दबोचा, 50 से ज्यादा आधार कार्ड बरामद। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में रहने वाले 5 लोगों ने राम मंदिर के चंदे के लिए बनाई थी फर्जी वेबसाइट। राम मंदिर ट्रस्ट ने सूचना पर पुलिस से की थी शिकायत। यूपी में धर्मांतरण के रैकेट के खुलासे पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने जताई नाराजगी, कहा चंद लोग देश के इस्लामीकरण में जुटे। यूपी पुलिस ने किया है बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का भंडाफोड़। यूपी एटीएस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, दक्षिण दिल्ली के जामिया नगर के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को कराया गया धर्मांतरण, लखनऊ के गोमती नगर थाने में FIR दर्ज। मूकबधिर लोगों और महिलाओं को झांसा देकर करवाया धर्मांतरण, नोएडा के मूकबधिर स्कूल के 18 बच्चों का बदलवाया धर्म। बिहार में मॉनसून ने डारा डेला, कई जिलों में बरसात। गोपालगंज में गंडक में उफान से कई गांव बाढ़ में डूबे। दरभंगा में मूसलाधार बारिश से शहर बना दरिया, सड़कों पर कमर तक डूबे मुसाफिर। छपरा में भी बारिश से जगह जगह तालाब जैसा मंजर, अस्पताल के नए कोविड टेस्ट सेंटर में भरा पानी। उत्तर बिहार के ज्यादातर इलाकों में पिछले कुछ दिन से लगातार हो रही है बारिश, समस्तीपुर में दिखा बाढ़ जैसा नजारा। यूपी के गोंडा में भी बरसात का कहर, सरयू में उफान से खेतों में भरा पानी, कई हेक्टेयर फसल बर्बाद।